धनतेरस पर तीन राशि वाले जातकों पर धन वर्षा। तीन राशि के जातक कर ले ये एक काम, माता लक्ष्मी के साथ कुबेर भी मेहरबान। धनतेरस और लक्ष्मी पूजा दोनों घर में खुशियां लाते हैं। दिवाली से पहले धनतेरस मनाया जाता है। इस साल 10 नवंबर को धनतेरस है। हर साल सभी लोग धातु के कोई न कोई सामान खरीदते हैं। मान्यता है कि इस दिन धातु के सामान खरीदने से न केवल माता लक्ष्मी बल्कि धन के देवता कुबेर भी प्रसन्न होते हैं। ज्योतिष में भी धनतेरस और लक्ष्मी पूजा के दिनों का खास महत्व है। इस बार तो ज्योतिष तीन राशियों के लिए न केवल धन वर्षा बल्कि हर तरह से खुशी का योग बनना बताया है। लेकिन इसके लिए ज्योतिष की गणना के मुताबिक एक शर्त भी रखी गई है। शर्त यह है कि ज्योतिष की गणना कह रहा है कि धातु की एक ऐसी वस्तु जिसे खरीद लेने से अगले धनतेरस तक धन के देवता कुबेर और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा। अब यहाँ दो सवाल उठ रहे हैं, पहला कि वो वस्तु क्या है और दूसरा कि वो तीन राशियाँ कौन कौन सी हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वो वस्तु क्या है। देवघर के ज्योतिष ने लोकल 18 को बताया है कि धनतेरस के शुभ मुहूर्त में अगर वो तीन राशि वाले जातक चांदी की कोई भी चीज खरीदते हैं तो उनके जीवन में चारों तरफ से धन वर्षा हो सकती है। ज्योतिष में इसकी वजह भी बताई गई है। चूंकि इस साल का धनतेरस शुक्रवार को पड़ रहा है, मान्यता ये भी है कि शुक्रवार को चांदी खरीदना सबसे शुभ होता है, इसलिए इस धनतेरस को चांदी जरूर खरीदें। ये सभी के लिए है। वहीं अब आते हैं उन तीन राशियों पर जिनके लिए धनतेरस के दिन एक ऐसा खास योग बन रहा है। वो तीन राशियां कर्क, कन्या और वृश्चिक राशियां हैं। ज्योतिष कह रहा है कि फिलहाल इन तीनों राशियों की शुक्र की दशा मजबूत स्थिति में है। साथ ही शुक्र को वैभव, संपदा और धन का कारक माना जाता है, इसलिए शुक्रवार को पड़ने वाले धनतेरस को अगर इन तीन राशियों कर्क, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक चांदी की खरीदारी करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा इन पर पूरे साल यानी अगले धनतेरस के दिन तक बनी रहेगी। व्यापार करने वाले लोगों को धन लाभ होगा। जाहिर है जब धन लाभ होगा तो आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो जाएगी। साथ ही जो नौकरी पेशा लोग हैं, नौकरी वालों को प्रमोशन मिलने के योग बन रहे हैं। ऐसे में ज्योतिष सलाह देता है कि कर्क, कन्या और वृश्चिक राशि वाले इस धनतेरस को चांदी की वस्तु जरूर खरीद लें। इस साल का धनतेरस और भी खास है क्योंकि इस बार धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी के साथ भगवान शिव की भी पूजा की जाएगी। वहीं इसी दिन शिववास भी है और प्रदोष व्रत भी इसी दिन रखा जाना है। ऐसे में इन तीनों राशि के जातकों को माता लक्ष्मी का दोगुना आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो चलिए, अगर आप भी इन तीनों राशियों में से हैं तो धनतेरस के दिन चांदी की कोई ना कोई वस्तु जरूर खरीदें और माता लक्ष्मी का ढेर सारा आशीर्वाद पाएं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।